चलो यार बच्चों अच्छे से ध्यान देना बेटा। इंटरमीडिएट बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, राइट? आज आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, राइट? सब लोग साथ में बेटा अपना पेन पेपर लेकर के बैठना अच्छे से और ध्यान देना, राइट? लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। 5 में हम लोगों को पूछा था डेट इक्विटी रेशो टेस्ट अगर अप्लाई किया तो मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना हो सकता है, राइट? डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के बाद मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक आप लोगों को कैलकुलेट करने बोला था, और मैंने उसके अंदर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था जिसके लिए आपको कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने साथों साथ मॉड्यूल से चेक करवाया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन एक आधा पौना पेज का उन्होंने बनाया, और ये अपनी शॉर्टकट ट्रिक थी, है ना? बहुत सिंपल टेक्निक है। आप क्या करोगे, मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन को डिवाइड कर दोगे बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू के साथ, राइट? ध्यान देना एक बार, मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। जैसे ना आपको एग्जाम में बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बार जरा देखो स्क्रीन पे, ध्यान देना बेटा। जैसे बायबैक के केस में आपको जर्नल एंट्रीज पूछी जाएगी, राइट? यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो अपनी गिनती की वो 6 जर्नल एंट्रीज थी, है? उसमें इन्वेस्टमेंट सेल का भी आ गया। उसके बाद में आपको बोला जाएगा जर्नल एंट्री प्लस बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। तो जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन या जर्नल एंट्रीज प्लस बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, और सिर्फ बैलेंस शीट भी पूछी तो भी आपको जर्नल एंट्री तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट जर्नल एंट्री आप लोगों का प्रीवियस बैलेंस शीट प्लस ये न्यू जर्नल एंट्रीज, जब तक आप ऐड नहीं करोगे नया बैलेंस शीट आपका बनेगा क्या? या तीसरा एक और कैटेगरी का क्वेश्चन है जो हमने 5 नंबर का सॉल्व किया था, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज टू बायबैक। यस और नो? एक ऐसी कंपनी है जो अपने ही इशू किए हुए इक्विटी शेयर्स को ओपन मार्केट से वापस खरीद रही है, राइट? तो उस केस में आपको ये सवाल पूछा था मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना रहेगा एज पर डेट इक्विटी रेशो टेस्ट, है ना? जैसे एक ही टेस्ट का एग्जांपल लिया था 5 नंबर के अंदर में। जनरली आप सभी को मैं एक चीज बता दूं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक कैसे निकालते, ध्यान से सुनना, मैं ये वाला किस्सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना? जब तक आप मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बायबैक ये नहीं निकालोगे तब तक आप एंट्रीज पास नहीं कर पाओगे। जब तक एंट्रीज नहीं होगी तब तक बैलेंस शीट नहीं बनेगी, राइट? पोस्ट बायबैक वाले, ध्यान से सुनना। सो ये लिखो बेटा मेरे साथ साथ, है ना? ध्यान से सुनना सभी, लिखो मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो इससे आपको एक अमाउंट मिलेगा। पेड अप शेयर कैपिटल लेना है बैलेंस शीट से और फ्री रिजर्व लेना है, ये दोनों की टोटल करने के बाद उसका 25% लेना है। तो जो अमाउंट मिलेगी, इससे एक अमाउंट मिलेगी, इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे बायबैक प्राइस से तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? देन सेकेंड कंडीशन, ध्यान से सुनना, 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, सर ये कहाँ दिया रहेगा? क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया रहेगा कि उस कंपनी के कितने इक्विटी शेयर्स है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स का ही बायबैक होता है, ये तो मालूम है, हमने देखा था कंडीशन में। पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स का बायबैक होगा क्या? नो, सिर्फ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स का बायबैक होगा जो इक्विटी शेयर्स का पूरा अमाउंट पेड अप है, राइट? पार्टली पेड का बायबैक नहीं होगा।
सो जो फुल्ली पेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उसका 25%। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेटा एक नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। तो ये हो गया आपका बी। और उसके बाद तीसरा एक कंडीशन, पोस्ट बायबैक, बायबैक के बाद का डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। बायबैक के बाद जो आपका डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, राइट। जैसे आप सभी को एक चीज़ बता दूँ कि डेट इक्विटी रेशियो 2:1, इसका मतलब होता है अगर आपका डेट 2 है तो आपका इक्विटी कितना होना चाहिए, 1, 1 से कम नहीं। क्योंकि अगर इक्विटी 1 से कम हो गया यानी डिनोमिनेटर कम हो गया तो आंसर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर अगर कम हो गया तो आंसर आपका ज़्यादा आ जाएगा, राइट। सो डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1, राइट। सो डेट इक्विटी रेशियो 2:1, सो यहाँ पे मैं एक्चुअल डेट लिख लूँगा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। अच्छा, डेट के अंदर में अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड सारा आ जाएगा, सिक्योर्ड डेट अनसिक्योर्ड डेट दोनों भी आ जाएंगे। सो एक्चुअल डेट मैंने लिख दिया यहाँ पे आपको समझाने के लिए, एक्चुअल डेट 100 है। सो देयर फोर रिक्वायर्ड इक्विटी कितना आ जाएगा बेटा बताओ तो, रिक्वायर्ड इक्विटी, डेट अगर 2 है तो इक्विटी 1, डेट अगर 100 है तो इक्विटी 50, रिक्वायर्ड इक्विटी आ जाएगा 50। इसको एक्चुअल इक्विटी के साथ कंपेयर करेंगे, एक्चुअल इक्विटी, एक्चुअल इक्विटी देखो ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ये है इक्विटी, ये है इक्विटी। इक्विटी मीन्स ओनर्स फंड, ओनर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस दोनों भी आ जाएंगे, राइट। फ्री रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व नहीं, ओनली फ्री रिजर्व। यहाँ पे क्या लिखा बेटा, फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। अभी ध्यान से सुनना, एक्चुअल इक्विटी यहाँ पे मान लो है आपको समझाने के लिए 70, रिक्वायर्ड इक्विटी 50, एक्चुअल 70। आपका एक्चुअल में इक्विटी 70 है, आप बायबैक कर करके इस इक्विटी को मैक्सिमम कितना डाइल्यूट कर सकते हैं, 70 से आप इसको 50 तक ला सकते हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड इक्विटी कितना है 50, 50 से नीचे नहीं आएगा। एक्चुअल रिक्वायर्ड कितना था बेटा बोलो बेटा, हाँ रिक्वायर्ड कितना है आपका 50, एक्चुअल में कितना है बेटा 70, 70 से डाइल्यूट कर करके मैं 50 तक ला सकता हूँ। तो मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन 20। बस अब यही सबसे काम की स्टेप है बेटा, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, ये जो भी अमाउंट रहेगा इज इक्वल टू आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, दैट कैन बी बॉट बैक, यस और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। तो ये तीन आपको नंबर्स मिले मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स में, देखो कौन कौन से मिले बेटा, पहली कंडीशन में कुछ नंबर मिला, दूसरी कंडीशन में नंबर मिला, तीसरी कंडीशन में नंबर मिला। इन तीनों कंडीशन में जो लोएस्ट रहेगा, देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी लोएस्ट ऑफ द अबाउ 3 नंबर्स। कितना मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कर सकते हैं, ऊपर के तीनों में जो लोएस्ट है उतना मैं मैक्सिमम बायबैक कर सकता हूँ, ऊपर के तीनों में जो लोएस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे तीनों कंडीशन फुलफिल करनी है। तीनों कंडीशन अगर फुलफिल करना है तो जो सबसे कम नंबर है उतना मुझे बायबैक करना होगा। कंडीशन 1 आपको बोल रही है मान लो आप 100 बायबैक कर सकते हैं नंबर, कंडीशन 2 बोल रही है 80, और कंडीशन 3 बोल रही है आपको समझाने के लिए 70 बायबैक कर सकते हैं। कंडीशन 1 बोलती है मैक्सिमम कितना बायबैक पॉसिबल है 100, मतलब 100 से कम चलेगा ना। कंडीशन 2 बोलती है मैक्सिमम कितना पॉसिबल बायबैक है 80, और कंडीशन 3 क्या बोलती है मैक्सिमम कितना पॉसिबल बायबैक है 70। तो तीनों में हम लोग कौन सी फिगर लेंगे ताकि तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, 70, क्योंकि 70 यहाँ भी है, 70 इसमें भी है और 70 इसमें भी है, इसीलिए तीनों में जो लोएस्ट है
उतना हम लोग मैक्सिमम बायबैक कर सकते। ये समझ में आया बेटा? ये लिख लिया सभी ने? इसके अंदर में और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएंगे जो आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ बताऊं, राइट? ये लिखा बेटा, एक बार बताओ मुझे फटाफट से। लिखा बेटा? डन। लिखो। ओके, यस, हो गया सभी का? ओके, चले आगे। आज ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 करूँ स्टार्ट? क्वेश्चन नंबर 6 आज दिख रहा है बेटे सभी को स्क्रीन पे? सानिया, ओके, डन डन डन। अच्छा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा सबने, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रिवीजन क्वेश्चन मार्क करना। जब कभी भी आप बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज ये टॉपिक रिवाइज करोगे ना, तब इस क्वेश्चन नंबर 6 को जरूर रिवाइज करना, राइट? इसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स कवर्ड है, इसमें वो तीनों कंडीशंस भी आपको अप्लाई करनी है, ठीक है? सब लोग साथ में बेटा प्लीज ध्यान देना। वेरी गुड, आ जाओ। देखो ध्यान देना, पेरोट लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी। नॉन लिस्टेड, ये कंपनी कोई भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है, ठीक है? इट्स ओके। हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया है 330 करोड़ का। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दे दिया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दे दिया है, PNL अकाउंट दे दिया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व दिया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व ये स्पेसिफिक रिजर्व है, राइट? जो हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया है, बराबर है? तो ये फ्री रिजर्व है क्या? नो, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो फ्री रिजर्व नहीं है। फ्री रिजर्व का मतलब होता है ऐसा रिजर्व विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ऐसा रिजर्व जिससे कंपनी डिविडेंड बांट सकती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, उस रिजर्व को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो बेटा, फ्री रिजर्व। तो ये फ्री रिजर्व नहीं है। P&L अकाउंट फ्री रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम वैसे देखा जाए तो फ्री रिजर्व नहीं है, लेकिन सेक्शन 68, 69, 70 बायबैक के पर्पस के लिए यू कैन ट्रीट सिक्योरिटी प्रीमियम एज अ फ्री रिजर्व। आगे जनरल रिजर्व, ये आपका फ्री रिजर्व है। आ जाओ ध्यान देना बेटा सब लोग। द शेयर होल्डर्स ऑफ द पेरोट लिमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर बोर्ड हैव अप्रूव्ड ऑन 12 सितंबर अ प्रपोजल टू बाय बैक द मैक्सिमम परमिसिबल इक्विटी शेयर्स कंसिडरिंग द लार्ज सरप्लस फंड्स। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स के सामने एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोजल रखा था कि कंपनी के पास भरपूर सरप्लस है एंड कंपनी वॉन्ट बाय बैक इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड फॉर द सेम स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन पास बाय द शेयर होल्डर्स एट एनुअल जनरल मीटिंग। ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है, बहुत खुशी की बात है। अगर तुम नहीं भी बोलते तब भी हम लोग ये सोचने वाले थे बायबैक हो रहा है, मतलब जहाँ जहाँ रिजोल्यूशन जो जो पास करना है वो पास हो गया होगा, ठीक है? आगे देखो और क्या बोला। प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इज 25 एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर द बायबैक इट वॉज डिसाइडेड टू ऑफर प्राइस 20% ओवर द मार्केट प्राइस। बेटा एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस 25 है एंड शेयर होल्डर्स को बायबैक के लिए उत्साहित करने के लिए इन्होंने 20% का प्रीमियम देने का वादा किया है ओवर द मार्केट प्राइस। चलो फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा बेटा 2 सेकेंड में। वेरी गुड, कितना आएगा बेटा? 25 + 20% का साइन, कितना आ गया टोटल? 30 रुपीज। आज यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म
दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायरमेंट। ओ हो, इसको मार्क करके रख देना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व क्यों क्रिएट किया है? इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक सेक्शन में दिया हुआ था, यू हैव टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व, है ना, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया। ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है। इनकम टैक्स एक्ट क्या है? स्टैट्यू लॉ, है ना, लॉ के तहत क्रिएट किया हुआ रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, यस और नो? आगे ध्यान देना। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो अंडर अ सिचुएशन वेयर द लोन फंड ऑफ द कंपनी इधर 1200 crores और 1500। भाई साहब, ये क्वेश्चन अब तीन बार सॉल्व करना है। एक बार लोन का अमाउंट कितना दिया बेटा? 1800 crore लेकर के। एक बार लोन का अमाउंट 1200 crores लेकर के, और एक बार लोन का अमाउंट 1500 crores लेकर के, राइट? तो तीन बार आपने सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बरोबर? अज्यूमिंग दैट एंटायर बायबैक इज कम्प्लीटेड बाय 9 December, शो द अकाउंटिंग एंट्रीज इन द कंपनीज बुक्स इन द ईच सिचुएशन। बेटा आपको यहाँ जर्नल एंट्रीज पास करना है तीनों सिचुएशन में। क्या पूछा है? एग्जाम में 10+ marks के लिए बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज विद द प्रॉपर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आपको दिखाना होगा मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना रहेगा तीनों सिचुएशन में, बरोबर है? और क्वेश्चन में जो सिचुएशन दिया हुआ है उसके लिए आपको क्या पास करना है? जर्नल एंट्रीज। सिंपल है, कर पाएंगे क्या हम लोग? चलो, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करने के पहले मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक के नंबर्स तो डिसाइड कर लेते हैं, बरोबर? चलो मैं स्टार्ट करूँ क्या? लिखो मेरे साथ सर, निकालो बेटा, नोटबुक निकालो आपका और लिखो क्वेश्चन नंबर सिक्स। कंपनी का नाम लिख देना, पेरोट लिमिटेड। लिखो क्वेश्चन नंबर 6, पेरोट लिमिटेड। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज उसके बगैर होगी नहीं। सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना होगा मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। चल करें बेटा, हम लोग सॉल्व करें मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था तीन टेस्ट अप्लाई करना है, बरोबर है? तो सारी टेस्ट अप्लाई करके हम लोग निकालते। अभी थोड़ी देर पहले देखा था कौन सी तीन टेस्ट थी, बताना तो जरा। एक था आप लोगों का 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। दूसरी कंडीशन में लिखा था यू कैन बायबैक मैक्सिमम 25% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। एंड थर्ड कंडीशन में लिखा था पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो कैन नॉट बी मोर देन 2:1। बायबैक के बाद का डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं जा सकता है। ये तीनों कंडीशन आप लोगों को फुलफिल करनी है, राइट? चलो लिखे हम लोग, लिखो फटाफट से। सो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक, राइट? ऑल सेट, लिखो फटाफट से। लिखो सबसे पहले, इस टेस्ट का नाम है रिसोर्स टेस्ट। सर ये रिसोर्स टेस्ट क्यों बोलते हैं बता दो बेटा, है ना, बता दो। ध्यान देना सब लोग अच्छे से। हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, सबसे पहला वाला कंडीशन क्या था? मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक इज इक्वल टू 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ऐसा लिखो सामने, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक, ऐसा लिखना है बेटा सामने। देखो ये
अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक, लिखा नाउ 25% ऑफ। अब देखो क्वेश्चन में चेक करो बेटा, पेड अप कैपिटल कितना है, देखो तो ये क्वेश्चन में दिया है पेड अप कैपिटल 330 करोड़, और फ्री रिजर्व के नाम पे क्या क्या है, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है और पीएनएल अकाउंट है। फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक वी कैन ट्रीट सिक्योरिटी प्रीमियम एज अ फ्री रिजर्व, राइट। आ जाओ चलो लो अपना कैलसी उठाओ बेटा चाइना का और फटाफट से कैलकुलेट करो, 240 प्लस 90 प्लस 90 कितना है बेटा, 420। तो आपके पास फ्री रिजर्व है 420 का और पेड अप कैपिटल है 330 करोर्स का, लिखता हूँ मैं यहाँ पे 330 करोर्स प्लस 420 करोर्स, ऑल फिगर्स आर रुपीज इन करोर्स, राइट। चलो 420 प्लस 330 750 मल्टीप्लाइड बाय 25% कितना आया, 187.5 करोर्स। सो इतने फंड्स अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक, इतने अमाउंट की आपको ज़रूरत है, बट मुझे अमाउंट निकालना है या नंबर निकालना है, मुझे अमाउंट चाहिए या मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स चाहिए, मुझे चाहिए नंबर्स। अब इस फिगर को, इस अमाउंट को मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है, सो डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। आपको मैंने बोला कि आपके पास 100 रुपये है, एक काम मिल रहा है 10 रुपये का, तो बताओ उस 100 रुपये में मैक्सिमम कितने आम आएंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय आम का प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आम आ जाएगी। सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। सो देयरफॉर डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, बायबैक प्राइस कितना है बेटा, रुपीज 30। कैसे आया, 25 मार्केट प्राइस था और 20% ये प्रीमियम देने के लिए तैयार थे, सो डिवाइडेड बाय 30, डिवाइडेड बाय 30, सो कितना आया, 6.25 करोड़ शेयर्स। देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी 6.25 करोड़ शेयर्स, फिगर्स इन करोर्स है, राइट। सो कंडीशन वन के हिसाब से मेरा 6.25 करोड़ शेयर्स आ गया। अच्छा मैंने आपको थोड़ी देर पहले वादा किया था कि आपको लॉजिक बताता, रिसोर्स टेस्ट क्यों बोलते, ध्यान से सुनना, मेरे पास कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है इस बायबैक के लिए, 187.5 करोर्स, 187.50 करोड़ रुपये मेरे पास अवेलेबल है, 187.5 करोर्स resources available for the purpose of buyback, that's why this test is called as resource test। अरे बाबा समझ में आ रहा है क्या रे मुन्ना, डन, चलो आगे, ऑल सेट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो बेटा, कंडीशन वन ओवर। सो कंडीशन वन कहती है, हे कंपनी सुन, तुम मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हो, 6.25 करोड़ शेयर्स। नाउ वी आर अप्लाइंग कंडीशन नंबर टू, दैट 25% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, याद आ रहे सभी को, चलो मैं कंडीशन टू अप्लाई करता हूँ, प्लीज ध्यान देना। अच्छा इस टेस्ट का नाम रिसोर्स टेस्ट क्यों, समझ में आया बेटा, कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, इतने के रिसोर्सेस अवेलेबल है, बट हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, दैट्स वाई रिसोर्सेस अवेलेबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स मैंने लिख दिया। चलो आगे, अभी ध्यान देना, नाउ कंडीशन नंबर टू लिखो बेटा, इसी में पॉइंट बी, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। इसका नाम शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्यों है बता दो बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम लोग कितना बायबैक कर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ना प्लीज ध्यान देना, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग मल्टीप्लाइड बाय 25%। मीन्स अभी बैलेंस शीट में जितने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है ना फुल्ली पेड, उसके 25% शेयर्स ही हम लोग बायबैक कर सकते हैं। बोलो बेटा कितने हैं यहाँ पे बता देना जरा, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, सर वो तो चेक करना होगा, अभी देख लेते हैं, 330 करोड़ और एक शेयर्स 10 रुपये का है, तो 330 करोड़ पेड अप कैपिटल है, एक शेयर 10 का है, सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 33 करोड़ शेयर्स। सो 33 करोड़ शेयर्स का कितना आ जाएगा, 25% निकालो बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग
33 crores मल्टीप्लाइड बाय 25% कितना आ रहा है? ओहो हो, 8.25 crores। ये तो मैं अभी बोल सकता हूँ 8.25 crores तो हम लोग बाय बैक कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन वन में कितना आया? 6.25 crores। कंडीशन टू में कितना आया? 8.25 crores शेयर्स। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, कंडीशन टू के उतने शेयर्स तो मैं बाय बैक नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों कंडीशन में जो नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स में जो लोएस्ट फिगर है उतना हम लोग मैक्सिमम बाय बैक कर सकते हैं, उतना हम लोग क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम बाय बैक कर सकते हैं, राइट। चले आगे, पक्का? नाउ कंडीशन नंबर थ्री प्लीज अप्लाई करो बेटा। कंडीशन थ्री क्या था? मैक्सिमम पॉसिबल बाय बैक कितना होगा? बस एक चीज का ध्यान रखना है, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1, राइट। सो यहां पे लिखो, तीसरे कंडीशन का नाम है फिर डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। क्या नाम है इसका? डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत इजी है। लिखो बेटा यहां पे सबसे पहले आपका डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो मैक्सिमम कितना होना चाहिए बेटा पोस्ट बायबैक? 2:1। इसका मतलब डेट अगर 2 है तो इक्विटी कितना होना चाहिए? 1। डेट 10 करोड़ है तो इक्विटी 5 करोड़, डेट 100 करोड़ है तो इक्विटी 50 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्चुअल में डेट कितना है कंपनी का, चेक करो तो एक्चुअल डेट कंपनी का कितना है, फटाफट से चेक करके बताओ। क्वेश्चन में देखो ये आ गया क्वेश्चन, ये है लोन फंड यानी डेट फंड, लोन फंड यानी डेट फंड। अच्छा, डेट इंक्लूड सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड, डेट इंक्लूड सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड। सो लोन फंड यहाँ पे देखना कितने बेटा, 1800। और आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ, हमें इन्होंने तीन कंडीशन दी है, डेट 1800 करोड़ है तो क्या, डेट 1200 करोड़ है तो क्या, और डेट 1500 करोड़ है तो क्या। तो ये जो तीसरी वाली कंडीशन है ना, इस कंडीशन को बार बार तीन बार लिखने से अच्छा एक ही साथ में तीन कॉलम बना लूँ आगे, तो कैसा रहेगा बेटा, आपका समय बच जाएगा एग्जाम के अंदर में, है ना, स्मार्ट वर्क। तीन बार सॉल्व करने से अच्छा हमें बस इतना मालूम है अभी से, एक बार 1800 करोड़, एक बार 1500 करोड़, एक बार 1200 करोड़। लोन फंड की अमाउंट तीन अलग अलग इन्होंने दे दी है, पहली दोनों टेस्ट के अंदर पे तो सेम ही रहेगा, बट जो तीसरी टेस्ट है उसमें लोन फंड का अमाउंट इन्होंने बोला कि एक बार 1800 करोड़ लेके करना है, एक बार 1200 करोड़ लेके करना है, और एक बार 1500 करोड़ लेके करना है। तो फिर हम लोग एक काम करते, एक ही साथ में बना लेते, अभी बनाते, आ जाओ। हाँ कहाँ है अपना, एक बार 1800 करोड़ लेता हूँ, एक बार बोल बेटा अगला कितना है चेक करना, 1200 करोड़, और एक बार 1500 करोड़, राइट। अभी ध्यान दे दो, एक्चुअल डेट यहाँ पे लिख लेता हूँ 1800, 1200 और 1500, therefore required equity, therefore required equity कितना आएगा फटाफट से लिखो। क्या हुआ सानी का, कहाँ तक हुआ मुन्ना? आ गया बेटे, डेट इक्विटी रेशो कितना बोला था? 2:1, यानी डेट 2 है तो इक्विटी 1, डेट 1800 है तो इक्विटी उसका आधा, डेट 2 है तो इक्विटी 1, डेट 1200 है तो उसका आधा, डेट 2:1 डेट इक्विटी, डेट अगर 1500 है तो उसका आधा, बट एक्चुअल इक्विटी कितना है यहाँ पे लिखो, बट एक्चुअल इक्विटी। चलो बताओ तो एक्चुअल इक्विटी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था क्या? ये है आपका एक्चुअल इक्विटी, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इज योर एक्चुअल इक्विटी। करो टोटल इसका, 330 प्लस 420, 750। एक्चुअल इक्विटी कितना है बेटा आप लोगों का? 750। लिखो फटाफट से, देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन। So, ध्यान से सुनना,
आप आपके इक्विटी को कहाँ तक लेके आ सकते हो? 900, 600, 750, दिख रहा है बेटा सभी को? आप आपके इक्विटी को डाइल्यूट कर करके कहाँ तक ला सकते हो? डेट अगर 1800 है तो आप इक्विटी को डाइल्यूट कर करके 900 तक ला सकते हैं। डेट अगर 1200 है तो आप इक्विटी को डाइल्यूट कर करके 600 तक ला सकते हैं। डेट अगर आपका 1500 है तो इक्विटी को डाइल्यूट कर करके आप 750 तक ला सकते हैं। सो ध्यान से सुनना, डाइल्यूट करने के बाद आपका इक्विटी इससे कम नहीं होना चाहिए। अभी ध्यान से सुनना, आपका एक्चुअल इक्विटी है 750, 750 से हम लोग 900 तक लेके आ सकते हैं क्या डाइल्यूट करके? नो, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। 750 आपका इक्विटी है, ये ऑलरेडी कम है, समझ में आए? यहाँ पे लिखा है कि रिक्वायर्ड इक्विटी कितना है? 900। तुम बताओ 750 को कम करके 900 पे ला ही नहीं सकते, बिकॉज 900 इज मोर देन 750। सो पहले वाले केस में डाइल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, पहले वाले केस में डाइल्यूशन नॉट पॉसिबल, पहले वाले केस में डाइल्यूशन नॉट पॉसिबल। टेस्ट यही रख देना, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बुक ले। और थर्ड वाले केस में भी डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल इक्विटी है 750, रिक्वायर्ड इक्विटी भी है 750, ऑलरेडी जितना होना चाहिए उतना है तो डाइल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो थर्ड वाले केस में भी ऐसा लिखो, डाइल्यूशन नॉट पॉसिबल, डाइल्यूशन नॉट पॉसिबल, राइट? दोनों पहले और तीसरे केस में। सेकेंड केस में देखो, आपका इक्विटी कितना है बेटा? 750, और डाइल्यूट कर करके आप उसे कहाँ तक लेके आ सकते हो? 600 तक। डाइल्यूट करके कहाँ तक ला सकते हो बेटा? 600 तक। तो कितना डाइल्यूशन पॉसिबल है यहाँ पे? 150 का डाइल्यूशन पॉसिबल है। मैक्सिमम कितना डाइल्यूशन पॉसिबल है? 150 का, राइट? सो यहाँ पे ही डाइल्यूशन पॉसिबल है। सो ये ही मेरे लिए सबसे काम की फिगर है। कुछ बात समझ में आई सभी को? पहली और तीसरी केस में डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये समझ में आया क्या सभी को? चलो आगे। अच्छा, यहाँ पे डाइल्यूशन कितना पॉसिबल है? मैक्सिमम 150 का डाइल्यूशन पॉसिबल है। ये दिख रहा है सभी को? ये दिख रहा है? बैठो पीछे, पीछे बैठो, मेरी बात करो पापा से, मम्मी से बात करो, फिर जाओ। डन, चलेगा बेटा? आप तो समझ नहीं आएगा, मेरी मम्मी पापा से बात करो फिर चले जाओ। लिखा बेटा है सभी ने? लिखा मन? चल, अब अपनी शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करो। डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। बायबैक प्राइस कितना था? 30, फेस वैल्यू 10, सो डिवाइडेड बाय 40, डिवाइडेड बाय 40 कितना है बेटा बता दो इसमें? 150 डिवाइडेड बाय 40 कितना आया? 3. देखो जादू, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक इन नंबर्स 3.75 करोर्स, 3.75 करोर्स। सिंपल है, आया बेटा सभी का? ये चीज समझ में आई तो प्लीज एक बार मुझे यस और नो बता दो बेटा। एनी बडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? ऑल सेट? ये चीज क्लियर है सभी को? पक्का? डन, चले आगे। लिखा सभी ने? बस इसमें काम की बात क्या थी? देखो ये वाली, मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन, आपका इक्विटी हाल फिलहाल में कितना है? 750। आप इसको डाइल्यूट कर करके रिक्वायर्ड इक्विटी तक, यानी कहाँ तक ले जा सकते हैं? 600 तक। 750 अभी आपका इक्विटी है, आप इसको डाइल्यूट कर करके कहाँ तक ले जा सकते हैं? 600 तक। तो मैक्सिमम पॉसिबल 750 से 600 लेके गए तो कितना डाइल्यूट कर पाओगे? 150 का। लेकिन 750 को डाइल्यूट करके, 750 को कम करके 900 बना सकते हैं क्या? नो।
750 को कम करके 750 बना सकते हैं क्या? नो, इसलिए यहाँ पे डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ समझ में आई सभी को? सो ये आ गया आपका बेटा आंसर। और अच्छा, काम की चीज़ इसके अंदर में क्या थी मुन्ना, प्लीज़ ध्यान देना सब लोग। ये बेटा इधर ध्यान दे दे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन निकालने के बाद। ये कैसे आया बेटा डाइल्यूशन, ज़रा देखना तो। यह आया आपका D माइनस C, सॉरी E माइनस D, अरे यार D माइनस C, 750 माइनस 600। सर ये दोनों वाले केस में अपने डाइल्यूशन नॉट पॉसिबल क्यों लिखा? क्योंकि 750 को कम कर करके 900 तक नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 750 है, 900 से कम है। ये लिख लिया बेटे सभी ने, सिंपल एकदम। चलो आगे, सब मुझे एक बात बताओ, अपना ये क्वेश्चन का डेटा दिया हुआ था और ये एडिशनल दो केसेस थी, ये एडिशनल दो केस दी थी बेटा क्वेश्चन में। हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है इसको ध्यान में रखते हुए, कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन 3 में ये वाले डेटा को ध्यान में रखते हुए। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? चलो आगे, डन। आपको चाहिए तो मैं बची हुई दोनों केस में भी एंट्रीज बता देता हूं। ऑल सेट? चलो आगे, पक्का? इन्होंने पूछा क्या है जरा देखना एक बार, मैं इस केस में भी एंट्री बता देता हूँ, इस केस में भी बता देता हूँ, है ना? लिखना कैसे आंसर, सारी चीजें बता देता हूँ। पहले एक चीज बता दो, आपने यहां तक सारी चीजें लिख ली है क्या? यस, डन। क्या बोले? मेरी एक बार बात करवा दे घर पर, मम्मी पापा से बात करवा दे। या गायत्री के साथ में उसका टिफिन भेज दे। लिखा बेटा सभी ने? लिखा बेटा? चलो आगे, ऑल सेट। डन, ओके, यस। स्क्रॉल करो, ओके। चलो अब एंट्रीज पास कर लेते बेटा, वेरी गुड है। लिखो, अब एक नोट लिखवा के दे देता हूं, आपको ऐसा बताना पड़ेगा ना कि यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना रहेगा। लिखो ऐसा, 10 मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक, ठीक है? समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को, सॉरी जो पेपर चेकर रहेगा उससे समझाना होगा कि मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना रहेगा। पॉसिबल बायबैक विल बी, यहां पे एक नोट लिख रहा हूं, एक अजम्पशन लिख रहा हूं, अज्यूमिंग लोन फंड। मुन्ना प्लीज ध्यान देना जरा, मैं लोन फंड कितने अज्यूम कर रहा हूँ? 1200। मैं लोन फंड कितने अज्यूम कर रहा हूँ बेटा? 1200। सर क्यों 1800 क्यों नहीं अज्यूम कर रहे? ध्यान से सुनना बेटा, मैं लोन फंड कितने अज्यूम कर रहा हूँ? 1200, क्योंकि 1800 में बायबैक पॉसिबल नहीं है, 1500 में बायबैक पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं लोन फंड अज्यूम कितने कर रहा हूँ? 1200। चलेगा सभी को? क्योंकि 1800 और 1500 में बायबैक पॉसिबल नहीं है। चलो ध्यान देना बेटे सब लोग, अज्यूमिंग लोन फंड्स 1200 क्रोर्स, बिकॉज ऐसा लिखो, इन केस लोन फंड्स आर, देखो बेटे कितना था, 1800 क्रोर्स और 1500 क्रोर्स इन दिस बोथ केसेस बायबैक इज
नॉट पॉसिबल बिकॉज इन दीज बोथ केसेस बायबैक इज नॉट पॉसिबल. ये दोनों केस में बायबैक पॉसिबल है ही नहीं. यस और नो, ये बात समझ में है बेटा सभी को? पक्की बात? डन. सो अब लिखो आगे, देयर फोर मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी लोएस्ट ऑफ द अबव थ्री कंडीशंस. ऊपर की तीन कंडीशन में कितना है बेटा लोएस्ट बताओ तो जरा चेक करो. कंडीशन वन कहती है 6.25, कंडीशन टू कहती है 8.25 करोड़ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, और कंडीशन थ्री में फिर मैंने अजम्पशन लिया 1200, क्योंकि अगर मैं 1800 अजम्पशन लेता या 1500 में लोन फंड लेता तो यहाँ पे बायबैक पॉसिबल ही नहीं है. इसीलिए, और क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज पास करने बोली है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ 1200 का अजम्पशन लेने के लिए. ये बात समझ में आई क्या? अगर आप 1800 अज्यूम करते तो यहाँ पे बायबैक पॉसिबल है क्या? नो. क्लियर? तो इसीलिए मैंने कौन सा अजम्पशन लिया बेटा, 1200 वाला. और 1200 में मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना है, 3.75 करोड़. सो तीनों भी लिख लो, 6.25, 8.25 और 3.75. 6.25 करोड़, 8.25 करोड़ एंड 3.75 करोड़. देयरफॉर तीनों में लिस्ट क्या है, 3.75 crores shares can buy back. So अब हमें एंट्रीज कितने शेयर्स की पास करनी है, 3.75 crores के शेयर्स की एंट्रीज पास करनी है. क्लियर? पक्की बात? चलो आगे. यहां पे किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? ये लिखा बेटा सभी ने, यहां से लेके 3.75 करोड़, तीनों में जो लोएस्ट था. डन. चलो आगे लिखो बेटा फटाफट से. चल डन. आई होप सभी ने लिख लिया होगा और सारी चीज क्लियर है. अब फटाफट से हम लोग एंट्री पास करें क्या? एंट्री पास करें हम लोग. सो फाइनली मेरा ये डिसाइड हो गया है कि मैं मैक्सिमम 3.75 crore शेयर्स बायबैक करने वाला हूँ. गाइस सब लोग प्लीज ध्यान देना. सो आई एम प्लानिंग टू बाय बैक 3.75 crore शेयर्स बिकॉज इन तीनों कंडीशन में लोएस्ट पॉसिबल बायबैक वही था. जो तीनों कंडीशन में लो आता है उतना हम लोग मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं. देखो शब्दों की गहराई की तरफ जाना. जो तीनों कंडीशन में सबसे लो रहेगा उतना हम लोग मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तीनों कंडीशन फुलफिल करनी है. आ जाओ ध्यान दो. चल डन. चल अब मैं एंट्रीज पास कर रहा हूं. लिखो जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री ठीक इस नोट के और ये कैलकुलेशन के नीचे आनी चाहिए, है ना? जर्नल एंट्रीज ठीक इस नोट और ये कैलकुलेशन के नीचे डाल. लिखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, या इन द बुक्स ऑफ द कंपनी नहीं लिखा, सिर्फ जर्नल एंट्री भी लिखा तो चलेगा. प्रेजेंटेशन अच्छा आना चाहिए. दो एंट्री के बीच में एक लाइन का स्पेस दो, पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर में लिखो, है ना? प्रॉपरली उस हिसाब से एंट्री आनी चाहिए बेटा. डन. आ जाओ ध्यान दो बेटे. सो सबसे पहली एंट्री. अच्छा आप लोगों को एंट्रीज याद दिलवा देता हूं. याद आया ना अमाउंट रिक्वायर्ड? ये देखो अमाउंट, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा. रिक्वायर्ड फॉर बायबैक कितने अमाउंट की जरूरत है बेटा बताओ तो. हमने अभी अभी देखा ना 3.75 करोड़ शेयर्स बायबैक कर सकते. अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक 3.75 करोड़ इंटू पर शेयर 30. सो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक 3.75 इंटू 30 कितना है बेटा 112.5. इसमें नॉमिनल वैल्यू कितना है बेटा 3.75 करोड़ इंटू 10 यानी 37.5 करोड़.
और इसमें प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक कितना है, 3.75 × 20। अरे 30 रुपीज़ बायबैक प्राइस है, उस 30 में 10 फेस वैल्यू है, तो बचा हुआ 20 प्रीमियम, तो कितना आ गया बेटा है, 75 करोड़। कैसे आया बेटा 75 करोड़, बोलो, 3.75 × 20, 75 करोड़। अब इसके लिए दो रास्ते, बायबैक की वजह से कंपनी का नॉमिनल वैल्यू कितने से कम हुआ, 37.5 से, 37.5 से आपका नॉमिनल वैल्यू कम हो गया, तो यहाँ पे मुझे उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को जो कि फेस वैल्यू से कम हुआ 37.5, इसे मुझे फिर से कोप अप करना है, मेंटेन करना है, तो राइट, मेंटेन करने के दो रास्ते, इधर आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और आउट ऑफ फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया, ट्रांसफर टू CRR, और इसके लिए भी दो रास्ते, मतलब फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। सबसे पहली एंट्री कौन सी आएगी, इतना अमाउंट देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, 33.75 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 30, इतना अमाउंट देना है। उसके बाद फ्रेश इशू है क्या, क्वेश्चन में चेक करके बताओ, फ्रेश इशू है क्या, फ्रेश इशू क्वेश्चन में कहीं पे भी फ्रेश इशू के बारे में बोला है क्या, नो मतलब यहाँ पे फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे जीरो लिख दूँ, सो 37.5 फ्रेश इशू से जीरो, सो बैलेंसिंग फिगर 37.5 क्या करेंगे, फ्री रिजर्व से CRR में ट्रांसफर करेंगे, एक एंट्री इसकी। और उसके बाद ये प्रीमियम पेएबल, इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा ना, ये नुकसान है, 37.5 करोड़ फेस वैल्यू के शेयर्स मैं 112.5 करोड़ में बायबैक कर रहा हूँ, तो नुकसान है, प्रीमियम एक्स्ट्रा दे रहा हूँ 75 करोड़ का, इस लॉस को आई हैव टू सेट ऑफ, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है ना, आप लोग आपके बैलेंस शीट में लॉस को नहीं दिखा सकते परमानेंट और लंबे समय तक, इसीलिए आई हैव टू सेट ऑफ दिस प्रीमियम ऑन बायबैक विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग प्रीमियम और विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग फ्री रिजर्व। आ जाओ, तो फिर ये इसके लिए एक एंट्री आ जाएगी, और लास्ट वाली एंट्री फाइनल सेटलमेंट, गिनती की चार एंट्रीज है, कुछ है क्या बेटा इसके अंदर में, चलो एंट्री पास करेंगे हम लोग, पक्की बात, करें स्टार्ट, ऑल सेट। सबसे पहली एंट्री कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। सर ये जो डायग्राम आपने बनाया बेटा, ये आपको एंट्रीज याद करवाने के लिए, ये पेपर में लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्लियर, वेरी गुड बेटा, 112.5 करोड़, डन। आ जाओ, सबसे पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू कितने से कम हो रहा है, 3.75 करोड़ इंटू 10 यानी 37.5 करोड़, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितना है बेटा प्रीमियम, 75 करोड़। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 112.5 करोड़, लिखना ना भूले, रुपीज इन क्रोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेशन लिखो, कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, लिखा बेटा पहला एंट्री, आप लाइन से लिख रहे हो ना, आप आजू बाजू में मत लिखा करो, मैं लेफ्ट राइट हॉरिजेंटली लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस है, आपने वर्टिकली लिखना बेटा, पहली एंट्री लिखी सभी ने, पहली एंट्री में क्या है, अब कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स वापस खरीद रही है, इक्विटी शेयर वापस खरीद रही है तो शेयर कैपिटल को कम करना पड़ेगा कि नहीं, इक्विटी शेयर्स अगर कोई कंपनी वापस खरीद रही है तो शेयर कैपिटल को कम करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अगर कम करना है तो शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, देखो डेबिट कर दिया, उसके बाद इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पे वापस खरीद रहे, नुकसान हो गया, नुकसान का डेबिट बैलेंस, नुकसान का नाम क्या है, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट विल बी डेबिटेड। चलो उसके बाद, और ये पेमेंट करना बाकी है तो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री बेटा ये हो गया, नाउ फ्रेश इशू है क्या, नो, फ्री रिजर्व से CRR कितना जाएगा, फ्री रिजर्व से CRR 37 पॉइंट, नहीं बैलेंसिंग फिगर कितना रहा था, 37.5 माइनस जीरो
इज इक्वल टू 37.5 करोड़, ट्रांसफर कर दूं सीआरआर में, चलेगा पक्का बेटा, एक बार चेक कर लेना। वेरी गुड, लिखो फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास क्या क्या है यहाँ पे, चेक करो। जनरल रिजर्व है, भरपूर है मेरे पास में, कर देता हूँ इसी से। आप और कोई फ्री रिजर्व भी यूज कर सकते हैं, बट जनरल रिजर्व दिख रहा है। अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, प्लीज आप पूरा लिखोगे, आप शॉर्टकट नहीं यूज करोगे, आप सीआरआर नहीं लिखोगे। वन मोर टाइम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज पूरा लिखना बेटा, आप शॉर्टकट मत लिखना। आप लिखो कैपिटल, मैं वेट कर रहा हूं, लिखो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है लिखो। नॉमिनल वैल्यू, नरेशन का मतलब बता रहा हूं, पहले लिख लो। नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। क्यों ट्रांसफर करते हैं कोई मुझे बता सकता है? मैंने बताया था लॉजिक इसका, फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी क्रिएटर्स। जैसे ही कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स बायबैक किए, थर्ड पार्टी क्रिएटर्स के पेट में दुखना शुरू हो गया, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को हर्ट होना शुरू हो गया, तो उन्होंने बोला कि तुमने तो यार शेयर कैपिटल ही कम कर दिया, तो उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कंपनी मेंटेनिंग द शेयर कैपिटल अगेन टू इट्स प्रीवियस लोकेशन। इसीलिए बायबैक की वजह से जितने से शेयर कैपिटल कम हुआ उतने से हमने फिर से खड़ा कर दिया। कितने से कम हुआ था? 37.5 से। कैसे रेस किया? फ्रेश इश्यू तो है नहीं, तो फ्री रिजर्व से सीआरआर में डाल दिया। सीआरआर इज एज गुड एज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री, चलो इसको राइट ऑफ कर दूं क्या? कैसे राइट ऑफ करना है प्लीज ध्यान देना। प्रीमियम ऑन बायबैक को पहले डेबिट किया, अब प्रीमियम ऑन बायबैक को क्या कर रहा हूं? क्रेडिट। प्रीमियम ऑन बायबैक 75, किसकी मदद से राइट ऑफ करूंगा? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या मेरे पास? चेक करो, भरपूर है भाई साहब, 90 करोड़ है। मुझे कितने का लॉस राइट ऑफ करना है? ओनली 75 करोड़। पहले जो लॉस डेबिट किया था अब मैं क्रेडिट कर रहा हूं, ये कर दिया। और किसकी मदद से? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम की मदद से। नरेशन लिखो, प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ यूजिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ कर दिया यूजिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कोई तकलीफ है इसमें किसी को? पक्की बात। चले बेटा आगे, डन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एक काम कर सकते हैं क्या, यहां पे आपने ऊपर प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट किया, यहां पे आपने प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट किया, यहां पे प्रीमियम ऑन बायबैक क्रेडिट किया, डेबिट क्रेडिट कैंसिल करके ये सिक्योरिटी प्रीमियम डायरेक्टली यहां पे लिख दिया तो चलेगा? ये दो एंट्री, फर्स्ट एंट्री और ये थर्ड एंट्री, वन मोर टाइम, फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री, ये दोनों भी एंट्री आप मर्ज करोगे तो कैसी दिखेगी? ये प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कैंसल, बचा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे लिख दिया तो भी चलेगा। पहली और तीसरी एंट्री आप मर्ज भी कर सकते हो, करना है तो, ठीक है? मैंने लॉजिकली आपको बताया कि क्या कैसे होने वाला है, ये क्लियर है? आपने नरेशन लिखा, लास्ट वाली एंट्री कौन सी रहेगी, कौन बच्चा बताएगा? फाइनल सेटलमेंट कर दो, 112.5 करोड़ दे दो। पहले एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया था, देना बाकी था तो अब मैं दे दूं? सो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 112.5। नरेशन लिखो, फाइनल सेटलमेंट
विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स, फाइनल सेटलमेंट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स. डन, हो गए जर्नल एंट्रीज खत्म. कुछ था इसमें? ऑल सेट. किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो. डन, बढ़ू क्या आगे? सारी चीज समझ में? कोई ऐसी चीज जो नहीं समझी होगी तो प्लीज एक बार पूछना बेटा. ओके, यस सर, यस सर. क्लियर. आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन बचा रहे बेटा, अभी बता दो. ओके, चल फोर बचा है, करते बेटा फोर नंबर सॉल्व करते. आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते. ठीक है, ये लिख लिया सभी ने? सिक्स हो गया था, फाइव हो गया था, नाउ फोर. ध्यान से सुनना, इजी एकदम, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, राइट? एग्जाम में श्योर शॉट नंबर, आपको ऐसा समझो कि 6 से 8 नंबर श्योर शॉट मिलने वाले, विद द हेल्प ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, राइट? बड़े आगे. सो ध्यान देना, एक्स्ट्रा लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2001. ध्यान से सुनो, ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है. खत्म. लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी करंट, और एसेट साइड में नॉन करंट असेट, करंट असेट. खत्म. नोट्स टू द अकाउंट्स में पूरा ध्यान देना, ऊपर जो शेयर कैपिटल में दिया हुआ है इसकी डिटेल यहां पे, ऊपर जो रिजर्व सरप्लस के आगे नंबर लिखा है नोट टू या 118 की डिटेल यहां पे, फिर ऊपर में नोट थ्री दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग की डिटेल फोर की यहां पे, बरोबर है? बस तीन ही नोट थी, तीन नीचे में ऊपर में बैलेंस शीट में जो आइटम दिए है उनका बाइफरकेशन, उनकी डिटेल्स नीचे नोट्स टू द अकाउंट्स में दिए. आ जाओ आगे, अभी तक पूछा क्या पता नहीं. हाँ, ध्यान से सुनना, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आया है तो मोर देन 10 मार्क्स के लिए आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो मोर देन 10 मार्क्स के लिए आएगा. ध्यान देना अच्छे से. कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. लो भैया, यहां पे कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का भी रिडम्पशन कर रही है. अब ये क्या चीज है? जैसे कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को वापस खरीदती है, ठीक उसी प्रकार से कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स को भी वापस खरीदती है. बस फर्क इतना है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स जो भूतकाल में कंपनी ने इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से अपने ही इशू किए हुए इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स अगर कंपनी वापस खरीद रही है ओपन मार्केट से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. और कंपनी अगर अपने ही इशू किए हुए इक्विटी शेयर्स वापस खरीदती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. उस प्रोसेस को कहते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. यस और नो, ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? डन. चलू मैं आगे. रिडम्पशन की एंट्रीज भी बायबैक की तरह ही है, बताता हूं आपको सारी एंट्रीज, राइट? उसके बाद इट ऑल्सो बॉट बैक, मतलब यहां पे रिडम्पशन का भी क्वेश्चन है और बॉट बायबैक का भी है.
आगे बोला है, बाय बैक इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर्स, थैंक यू सो मच। इन्होंने बता दिया कि कितने इक्विटी शेयर्स वापस खरीद रहे हैं, 3 लाख। मतलब मुझे कोई कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। इन्होंने ऑलरेडी बायबैक करने का डिसाइड कर लिया है, या इन्होंने बायबैक कर लिए है, मुझे बस एंट्रीज पास करना है लगता। वरना पिछले वाले क्वेश्चन में हमें बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक, पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा बोला था ना, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। बट अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक निकालने की जरूरत नहीं है। आपको बता दिया है कि 3 लाख इक्विटी शेयर्स बायबैक करने वाले। उसके बाद सो इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 30 पर शेयर। रिडेम्पशन के बारे में बोला है कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हो रहा है 10% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट कितने का था, ₹100 फेस वैल्यू का, और बायबैक कैसे हो रहा है 10% प्रीमियम, तो सॉरी रिडेम्पशन कैसे हो रहा है 10% प्रीमियम। सो एक प्रेफरेंस शेयर के लिए कंपनी कितना दे रही है, 100 प्लस 10% प्रीमियम, यानी 110 क्या रिडेम्पशन प्राइस। इन्होंने बोला है ना 10% प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है। सो एक प्रेफरेंस शेयर के लिए कंपनी कितना पे कर रही है, 110। एक प्रेफरेंस शेयर के लिए कंपनी कितना पे कर रही है बेटा, 110। आगे इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट वर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कॉस्टिंग ₹2 लाख। ओ हो, बड़ा ही प्यारा पॉइंट है, समझना बेटा इस क्वेश्चन को। उसके इन्वेस्टमेंट में क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, कंपनी के बैलेंस शीट के असेट साइड में एक इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। वो इन्वेस्टमेंट क्या है, ध्यान से सुनना, वो इन्वेस्टमेंट है इसमें 120 लाख में इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कितने का है? देखो तो जरा, वो है 2 लाख रुपए का, और फेस वैल्यू कितनी है वो डिबेंचर्स की, 2.2 लाख। और ये कौन से डिबेंचर है, कंपनी ने खुद ही ने डिबेंचर इशू किए, और कंपनी ने ओपन मार्केट से डिबेंचर होल्डर से खुद ही ने परचेस कर लिए। मीन्स कंपनी के खुद ही के डिबेंचर्स जो लाइबिलिटी साइड में दिख रहे हैं, वो ही डिबेंचर कंपनी के असेट साइड में दिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। हेलो, सब लोग साथ में है क्या, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स दिख रहा है, लाइबिलिटी भी कंपनी की और असेट साइड में इन्वेस्टमेंट भी कंपनी की। अब तुम बताओ ये असेट इन्वेस्टमेंट और ये लाइबिलिटी कैंसल हो जाएगा, कर देंगे कैंसल, क्योंकि लाइबिलिटी भी कंपनी की है, खुद ही के डिबेंचर इशू किए हुए कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बोल के खरीदे। आ जाओ, दीज डिबेंचर्स वर कैंसल्ड ऑन 1 अप्रैल 2001। ये जो डिबेंचर्स है ये कैंसल कब किए बेटा, ऑन 1 अप्रैल 2001। कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस कैंसल करने हैं, कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन द अबव मेंशन डेट टू द एम्प्लॉयज एट 20 व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 30, दिस वाज इंक्लूडेड अंडर द करंट लाइबिलिटी। भाई साहब, कंपनी ने इसॉप ये स्कीम के जरिए कुछ शेयर्स इशू किए थे। इसॉप क्या है बताऊंगा, कंपनी ने इसॉप ये स्कीम के जरिए कुछ शेयर्स इशू किए थे, तो वो इसॉप आउटस्टैंडिंग भी कंपनी के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। इसॉप क्या रहता है पहले मैं आज वो बताऊंगा, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ जाओ, उसके बाद ऑन 1/4/2001 एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस फॉर 50,000 शेयर्स, पास द जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ये दो चीज बोली बेटा आपको, क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? ऑल सेट, डन। बड़े के आगे, बड़े बेटा क्वेश्चन समझ में आए, कोई ऐसी चीज जो क्वेश्चन में नहीं समझ में आई होगी, इसॉप का छोड़ देना, इसॉप का मैं बताता हूँ क्या चीज है। तो इसॉप के अलावा बायबैक और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें कोई तकलीफ है किसी को? चलो आगे। चल अभी ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या चीजें है ध्यान से सुनो। मैं आंसर नहीं लिखवा रहा हूँ, पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई ऐसी नई चीज, बराबर है। इंटर के अंदर में बच्चे आ गए, लेकिन कुछ चीजें इंटर के बच्चों को नहीं पता है, बराबर है। जो बच्चा फाउंडेशन ओल्ड सिलेबस से होगा, जो बच्चा फाउंडेशन के ओल्ड सिलेबस से होगा,
उसको ये चीजें नहीं पता होगी जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो बच्चा फाउंडेशन के न्यू सिलेबस से होगा उसको ये चीजें पता होगी, क्योंकि सीए फाउंडेशन के न्यू सिलेबस में इन्होंने दे दिया है ये रिडम्पशन वगैरह मैक्सिमम चीजें, ये सर नो। तो और मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी बच्चे फाउंडेशन के ओल्ड सिलेबस से है जो इंटर के न्यू सिलेबस में शिफ्ट हुए हैं, राइट। अगर सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस का बच्चा होता तो ये मुझे अभी का सेशन रखने की जरूरत नहीं रहती अब जो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा आ जाओ। बट पहले मैं आपको वो चीज क्लियर करके देता हूँ, ठीक है। हाँ सॉरी, फोर। चल, फोर के अंदर में क्या क्या चीजें बोली है देखो जरा, ध्यान देना। फोर में तीन चीजें आपको करने के लिए बोलिए। ये आंसर नहीं लिखवा रहा हूं फोर का, मैं न्यू कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, सब लोग अच्छे से ध्यान दें। अच्छा, पहले एक चीज का अपने आप से कंफर्मेशन लेकर के मुझे दे दो कि बायबैक आपको समझ में आया क्या। बहुत सिंपल सा है बेटा बायबैक का कॉन्सेप्ट। कंपनी के पास भरपूर कैश है, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ये देखो मेरे सोने के फोन पे हीरे का कवर, ये देखो हीरे के फोन पे सोने का कवर, भरपूर पैसा है जो मैं गरीबों में बांट देता हूँ, ऐसी अल्ट्रा कैश रिच कंपनी। अब वो एक्स्ट्रा जो सरप्लस कैश पड़ी है उस सरप्लस कैश का क्या ही कर सकती है, या तो हाई डिविडेंड पे कर देगी, या तो किसी कंपनी को अक्वायर खरीद लेगी, या तो अपने आप को एक्सपांड करेगी, या तो लाइबिलिटी पे ऑफ कर देगी, या तो बायबैक करेगी। सो सरप्लस कैश वाली कंपनी बायबैक कर सकती है क्या इक्विटी शेयर्स को? यस। सेक्शन 68, 69, 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बायबैक की प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को वापस खरीद सकती है लोन लेके, नहीं कंपनी के पास सरप्लस कैश होना चाहिए, यस और नो? क्लियर, ध्यान देना। और उसके लिए हमने कुछ एंट्रीज पास की। सबसे पहली एंट्री, बायबैक कर रही है तो इक्विटी शेयर्स कैंसिल करो। बोलो बेटा एंट्री क्या थी, मेरे साथ साथ बोलना। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर बायबैक प्रीमियम पे हुआ तो। दूसरी एंट्री, फ्रेश इशू होगा तो फ्रेश इशू की एंट्री। तीसरी एंट्री, कैंसलेशन, प्लीज ध्यान देना बेटा, सॉरी, तीसरी एंट्री फ्री रिजर्व से CRR में ट्रांसफर करने की, क्यों? फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स। फोर्थ एंट्री, कैंसलेशन ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। और लास्ट एंट्री, फाइनल सेटलमेंट विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इन्वेस्टमेंट अगर सेल किया होगा तो उसकी एंट्री। ये गिनती की कुछ एंट्रीज है बायबैक, यस और नो? चलो आगे, ध्यान से सुन। अब उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या चीजें दी है, इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बोला है, प्लस बायबैक के बारे में बोला है, प्लस इन लोगों ने ईसॉप के बारे में कुछ बोला है। ये तो चीज आपको समझ में आई, आपको रिडम्पशन और ईसॉप के बारे में आइडिया देता हूं। रिडम्पशन के बारे में भी शायद अपना एक लेक्चर में डिस्कशन हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, शायद सेकेंड लेक्चर में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कशन हुआ था बेटा अपना। बायबैक की तरह ही है, मान लो ये कंपनी अपने ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर से प्रेफरेंस शेयर्स वापस खरीद रही है, बराबर है? और ये प्रेफरेंस शेयर्स कितने में वापस ले रही है बेटा, ध्यान से सुनना। मान लो 100 फेस वैल्यू का शेयर, मान लो 100 फेस वैल्यू का शेयर कंपनी 10% प्रीमियम में वापस ले रही है, यानी रिडम्पशन प्राइस कितना हो गया, रिडम्पशन प्राइस कितना हो गया बेटा, 110। सब लोग साथ में बेटा, रिडम्पशन प्राइस कितना हो गया, 110। अभी ध्यान से सुनो, इसके लिए एंट्रीज क्या क्या आएगी। सेम बायबैक की तरह, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ध्यान से सुनना बेटा, निकालो तो अमाउंट 110, नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन एंड प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन। नॉमिनल वैल्यू कितना था, 100, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन 10,
इसको मेंटेन करने के दो रास्ते सर। मेंटेन करना मतलब, अरे बाबा रिडम्पशन के चलते कंपनी ने अपना ही प्रेफरेंस शेयर वापस खरीदा, तो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो गया तो थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स को बायबैक की में जैसी तकलीफ होती थी वैसी यहाँ भी होने लगी। तो हमें उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना होगा, रेस करना होगा। तो उसके लिए दो रास्ते, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करो CRR। बट रिडम्पशन के समय फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम को, रिडम्पशन के समय फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना। बायबैक के समय यू कैन ट्रीट सिक्योरिटी प्रीमियम एज अ फ्री रिजर्व, राइट? पक्की बात? सो ध्यान देना। अरे एक सेकेंड ना बच्चों, एक सेकेंड ना बच्चों को शायद लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिख रहा है, एक ही मिनट। हाँ दिख रहा है ना बेटा, अभी चेक कर लेना। ओके रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके डन। आज सो ध्यान दो। हाँ तो हम लोग कहाँ थे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे थे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की मैं बात कर रहा था। तो सेम बायबैक की तरह यहाँ पे भी है ना, सारी चीज सेम रहेगी। इस नुकसान को, ये जो प्रीमियम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स वापस खरीद रही है और एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसको राइट ऑफ करने के लिए दो रास्ते, या तो फ्री रिजर्व से या तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम से। ये प्रीमियम के लिए दो रास्ते बराबर है, या तो फ्री रिजर्व या तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट? सो यहां पे एंट्री क्या रहेगी, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहां पे एंट्री क्या रहेगी, फ्री रिजर्व टू CRR। अच्छा रिडम्पशन वाला कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से बता दूं क्या? आ जाओ बता देता हूं, ध्यान देना। जैसे देखो अपना क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है, 4 के अंदर में रिडम्पशन भी है, बायबैक भी है और ESOP का भी कॉन्सेप्ट है, राइट? तो पहले रिडम्पशन वाला कॉन्सेप्ट बता दो। बायबैक तो हमने पढ़ा ही है इस टॉपिक में पूरा, रिडम्पशन वाला कॉन्सेप्ट सुनना अच्छे से और उसके बाद ESOP वाला कॉन्सेप्ट। ये दोनों छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो बरोबर है। सो कंपनी अपने ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर से प्रेफरेंस शेयर्स वापस खरीद रही है, और ये प्रेफरेंस शेयर आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, कंपनी 10% प्रीमियम पे वापस ले रही है। 100 रुपी फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर कंपनी कितने में वापस ले रही है बेटा, 10% प्रीमियम पे। तो यहाँ पे 110 रिडम्पशन प्राइस हो जाएगा, और ये 110 मुझे देना होगा क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? यस। सो अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज 110, अमाउंट पेएबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज 110। इस 110 में नॉमिनल वैल्यू कितना है, 100। इस 110 में प्रीमियम पेएबल कितना है, 10। तो यहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर, ये रिडम्पशन करने की वजह से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम हो रहा है, ये रिडम्पशन की वजह से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो रहा है बेटा 100 से। ये रिडम्पशन की वजह से कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो रहा है 100 से। अब अगेन थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स के पेट में दुखना शुरू हो गया, तो थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मुझे इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से मेंटेन करना है। तो बायबैक की तरह ही सेम लॉजिक सब, और यहां अगेन दो रास्ते, 100 से कम हुआ या तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या तो दूसरा रास्ता फ्री रिजर्व से CRR, या तो दूसरा रास्ता फ्री रिजर्व से CRR में ट्रांसफर करो, या तो थोड़ा सा फ्रेश इशू से और थोड़ा सा फ्री रिजर्व से CRR। और रिडम्पशन के अंदर में सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व ट्रीट नहीं करते, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व ट्रीट नहीं करेंगे जैसे बायबैक में करते थे, राइट? सो ध्यान से सुनना बेटे सब लोग। और ये जो प्रीमियम है इसको राइट ऑफ करने के लिए आपके पास दो रास्ते, या तो फ्री रिजर्व या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। और लास्ट एंट्री ये पेमेंट कर देंगे। कौन कौन सी एंट्री? पहली कैंसलेशन की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 110।
उसके बाद दूसरी एंट्री फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी इशू किया होगा। तीसरी एंट्री फ्री रिजर्व टू सीआरआर, तीसरी एंट्री फ्री रिजर्व टू सीआरआर, चौथी एंट्री, हाँ बेटा, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, राइट ऑफ किया ना। पहले एंट्री में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या किया था, डेबिट। दूसरे राइट ऑफ करते समय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या करेंगे, क्रेडिट। और उसके बाद लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना बाकी था, दे दो। कुछ थारे बेटा इसमें, मान लो फ्रेश इशू हुआ 60 का, तो यहां से कितना रहेगा, 40। मान लो फ्रेश इशू हुआ 70 का, 100 में से, तो यहाँ कितना आएगा, 30। मान लो फ्रेश इशू हुआ 80 का, तो यहाँ कितना आएगा, 20। ये बात समझ में आई क्या सभी को? अब बताओ कितनी एंट्रीज मैंने पास किया बेटा, यहाँ पे बताना जरा। एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये एंट्रीज लिख लो, ये एंट्रीज लिख लो। कोई चीज नहीं दिख रही है, नहीं समझ में आया, प्लीज वापस पूछो। एनीबडी, लिखा बेटा। ऑल सेट, पक्का? ये लिखो बेटा अच्छे से एक बार, और लिखना होती है एक बार अंगूठा दिखा दो, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे लिखो।
हाँ बेटा लिखा हो गया बेटा, 2 मिनट हो गए। दा ये है बेटा आप लोगों का रिडम्पशन का किस्सा, राइट। जहां जहां रिडम्पशन आएगा वापस वहां वहां पे सारी चीजें बताऊंगा, प्लीज अच्छे से ध्यान। ये एंट्री समझ में है रिडम्पशन की? आपने देखा होगा बायबैक की तरह ही एंट्रीज है, प्रॉपर पूरी बायबैक की जो एंट्रीज है सेम रिडम्पशन के अंदर भी हो सकता है। रिडम्पशन के केस में आपको एग्जांपल में दे दिया रहेगा कि इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट सेल की एंट्री और आ जाएगी ये 5 एंट्री की जगह पे। ये 5 एंट्री के बाद एक और एंट्री आ जाएगी 6 नंबर की, इन्वेस्टमेंट सेल अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तो। उसके बाद अब मैं बात करता हूं इसॉप की। इसॉप क्या चीज है अच्छे से एक बार समझना बेटा, इसॉप क्या चीज है पहले एक बार सुनो समझो ध्यान दें। अभी मैं बात कर रहा हूं इसॉप की, लिखो बेटा एम्प्लॉय एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP, या इसी का एक और नाम है जो आपको दिया नहीं मॉड्यूल में बट बता देता हूं, ESPP एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, राइट। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। अब ये क्या चीज है अच्छे से समझना। अब आप सभी लोगों को एक चीज बता दूं, जब कभी भी कोई कंपनी होना प्लीज ध्यान देना, अपने एम्प्लॉय को लंबे समय तक कंपनी में अगर रोकना चाहती है, जब कभी भी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को लंबे समय तक कंपनी में अगर रोकना चाहती है मुन्ना प्लीज ध्यान देना, तो उस समय कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ये शेयर बेस्ड पेमेंट करती है। शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट कर रही है, सैलरी के अलावा एम्प्लॉयज को शेयर्स भी दिए जा रहे हैं। सैलरी के अलावा एम्प्लॉयज को क्या दिए जा रहे हैं? शेयर्स दिए जा रहे हैं, है ना, ताकि वो एम्प्लॉय कंपनी को जल्दी छोड़ के ना जाए। कंपनी कैसे देती है जरा ध्यान से सुनना, ताकि एम्प्लॉय से ज्यादा काम करवा के लिए कैसे देती है कंपनी। देखो ये कंपनी ने आज ऑडिटोरियम के अंदर में सभी एम्प्लॉयज को बुलवा लिया, और यहाँ पे कंपनी के ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, और ये सारे कंपनी के एम्प्लॉयज बैठे हैं यहाँ पे। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को आज स्कीम अनाउंस कर रही है, इस डेट को कहते हैं ग्रांट डेट। कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए आज एक स्कीम अनाउंस कर रही है, इस डेट को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रांट डेट, यस और नो। जिस दिन कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के लिए इसॉप का स्कीम अनाउंस किया उस डेट को बोलेंगे ग्रांट डेट। और कंपनी अपने तमाम एम्प्लॉयज को बोल रही है, हे एम्प्लॉयज सुनो, अगर आप इसी कंपनी में 5 साल तक आने वाले 5 साल तक रुकते हो, तो 5 साल बाद आज अनाउंस किया, आज की तारीख थी 1st of January 2021, 5 साल बाद 1st of January 2026, 5 साल तक अगर आप इसी कंपनी में रुकते हो तो 5 साल बाद कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस कुछ भी हो एक्स वाई जेड, हम आपको एक शेयर कितने में इशू करेंगे? 4 रुपीज 200। मान लो 5 साल बाद कंपनी के शेयर्स का प्राइस है 2000, फिर भी आपको एक शेयर 200 में मिलेगा। सर सीधा सीधा बोलो ना, मार्केट प्राइस से कम प्राइस में मिलने वाला है। जब कभी भी कोई कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ये बोलती है कि ये कंडीशन फुलफिल अगर हो जाती है तो आपको शेयर्स खरीदने का राइट मिल जाएगा, आपको शेयर्स परचेज करने का राइट मिल जाएगा, ऐसा कंपनी ने एक स्कीम के दौरान ग्रांट डेट के दिन सारे एम्प्लॉयज को बुलवा करके बोल दिया। स्कीम का नाम था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्कीम का नाम क्या था? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मींस एम्प्लॉय को स्टॉक, स्टॉक यानी शेयर्स, यहाँ पे स्टॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर्स। कंपनी के एम्प्लॉयज को शेयर्स खरीदने का ऑप्शन दिया जा रहा है, कंपनी के एम्प्लॉयज को शेयर्स खरीदने का ऑप्शन दिया जा रहा है। प्लीज ये मेरे साथ साथ लिखना बेटा,
ये सारी चीज़ें लिखना, ये यहाँ से मेरे साथ साथ में लिखना। कंपनी के एम्प्लॉयज को शेयर्स खरीदने का क्या दिया जा रहा है बेटा? ऑप्शन दिया जा रहा है, कंपलसरी नहीं है, ड्यूटी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो खरीद लेना, ऑप्शन है, राइट है, लाइबिलिटी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, चाहो तो खरीदना, चाहो तो मत खरीदना, यस और नो। इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन देना, स्टॉक परचेस करने का ऑप्शन देना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान, बरोबर है। बट सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपको 5 साल तक इसी कंपनी में रुकना है। ये जो मैंने 5 साल वाली कंडीशन ली है, इसके अलावा और भी कोई कंडीशंस हो सकती है। जैसे एम्प्लॉय को बोला कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अभी 10% है, जिस दिन ये 15% हो जाएगा, आपको हम लोग मार्केट प्राइस से सस्ते प्राइस में, कम प्राइस में, बिलो मार्केट प्राइस पे हम लोग आपको शेयर इशू करेंगे। कंडीशंस 50 हो सकती है, मैंने आपको बस दो कंडीशन का एग्जांपल दिया, उसमें अभी वाले एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 5 साल तक रुकना होगा। कंडीशन और भी हो सकती है, नेट प्रॉफिट कंपनी का इतना इतना हो जाएगा तो आपको शेयर्स खरीदने का राइट मिल जाएगा, और वो भी मार्केट प्राइस से कम प्राइस में, बिलो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस 1,000 है, आपको एक शेयर हम देंगे 300 रुपये में, फेस वैल्यू से नीचे नहीं बोल रहा हूं मैं। वेट, मान लो इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10, मार्केट प्राइस 2,000 है, बट एम्प्लॉय को कितने में देंगे? 200 में। एम्प्लॉय का कितने का फायदा? 1,800 का। एम्प्लॉय तो ये सोचेगा ना, मुझे 1,000 शेयर्स खरीदने का राइट मिला है, मार्केट प्राइस उस समय शायद 2,000 रहेगा, लेकिन मैं कितने में खरीद सकता हूँ? 200 में, इस स्कीम के तहत, अगर 5 साल तक इसी कंपनी में रुक जाता हूँ तो एम्प्लॉय सोचता है 1,000 शेयर्स खरीदने का राइट है मेरे पास, इंटू 1,800 का फायदा, 1,80,000 कमा लूंगा सैलरी के अलावा। इसीलिए कंपनी से जो एम्प्लॉय जो होते हैं वो छोड़ के नहीं जाते इस लालच में कि भैया 5 साल बाद मुझे एक्स्ट्रा मिलने वाला है, सैलरी के अलावा मिलने वाला है। अब कुछ बात समझ में आ रही? और ये जो पीरियड है ना 5 साल का पीरियड, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। इस पीरियड को क्या कहते हैं? वेस्टिंग पीरियड। ये बात समझ में आई सब लोगों को? ये पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टिंग पीरियड। चलो आगे, पक्का? तो ये जो कंपनी है, इसने स्कीम लॉन्च कर दिया, 5 साल बाद एम्प्लॉय को शेयर्स खरीदने का राइट है, और यहाँ पे 2,000 प्राइस का शेयर कंपनी कितने में दे रही है? 200 में। यहाँ पे 1,800 कंपनी कंपेंसेट कर रही है पर शेयर, पर शेयर 1,800। अच्छा, एम्प्लॉयज को अनलिमिटेड शेयर्स खरीदने का राइट नहीं मिलता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है। मान लो एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम कितने शेयर्स खरीदने का राइट है? पर एम्प्लॉय मैक्सिमम 1,000 शेयर्स, यस और नो? सो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को गाजर दे रही है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बोल रही है कि तुम्हें ओनरशिप मिल जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय के पास कंपनी के शेयर्स आ गए, एंड आप लोग जानते हो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, यस और नो? शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो एम्प्लॉय को क्या बोला जा रहा है कि देखो, आप लोग एम्प्लॉय हो, आपको कंपनी के ग्रोथ में हिस्सेदार बना रहे, आपको कंपनी का ओनर बना रहे, कंडीशन एक ही है, 5 साल तक इसी कंपनी में रुकना है। ऐसी स्कीम कंपनी ने अनाउंस किया था 1 जनवरी 2021 को, उसमें कंडीशन थी आपको समझाने के लिए 5 ईयर्स, यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? तो अब ये इसकी अकाउंटिंग कैसी होती है सारी चीजों की मैं बताता हूँ, चल ध्यान देना आपको समझाने के लिए। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे स्कीम में बताओ तो? नंबर ऑफ शेयर्स और ऑप्शंस, नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ ऑप्शंस और नंबर ऑफ स्टॉक, नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ ऑप्शंस और नंबर ऑफ स्टॉक कितने थे आपको समझाने के लिए? 1,000। एक ही एम्प्लॉय था ऐसा समझ लो, वन एम्प्लॉय मल्टीप्लाइड बाय ऑप्शन पर एम्प्लॉय, बराबर है। मार्केट प्राइस क्या था कंपनी के शेयर्स का? 2,000। मान लो 5 साल बाद कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना रहने वाला है? 2,000। बट कंपनी वो शेयर कितने में देगी एम्प्लॉय को? एम्प्लॉय कितने में वो शेयर खरीद पाएगा? एम्प्लॉय को जस्ट पे करना है 200।
सो 200 इज एन एक्सरसाइज प्राइस, जितने प्राइस पे वो एम्प्लॉय शेयर खरीदेगा उस प्राइस को कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। एम्प्लॉय अपने उस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है बाय पेइंग 200, दैट्स व्हाई 200 इज कॉल्ड एज एक्सरसाइज प्राइस। सो एम्प्लॉय को कितना देना होगा 200, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। देयरफॉर कंपनी कितना कंपेंसेट कर रही है एम्प्लॉय के लिए, ऐसा समझो फॉर द टाइम बीइंग, कंपनी कितना कंपेंसेट कर रही है एम्प्लॉय के लिए, बोलो बेटा 1800 कंपेंसेशन, ऐसा लिखो एम्प्लॉय, ऐसा लिखो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस। सर कैसे आया ये बी माइनस सी, बी माइनस सी कितना दे रही कंपनी 1800। ये बात समझ में आई क्या रे, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, मुझे इसका अकाउंटिंग करना है। देयरफॉर ना ध्यान से सुनना, ये 1800 का मुझे अकाउंटिंग करना है एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंसेस। यहां तक लिखा गया सभी ने, किसी को कोई चीज नहीं दिख रही है प्लीज एक बार मुझे पूछो, ये लिख लिया बेटा सभी ने, हाँ लिखा बेटा, चलो आगे। डन, आ जाओ अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना, ये जो कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए खर्चा कर रही है 1800 का, ये कितने साल का खर्चा है बेटा, ये कितने साल का खर्चा है, ये स्कीम की लाइफ कितने साल है, 5 साल। तो ये 1800 का अकाउंटिंग पूरे 1 साल में ही कर दूं क्या, रेवेन्यू मैचिंग नाम का कॉन्सेप्ट कोई पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मैचिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट। 1800 ये 5 साल के लिए है, तो पर ईयर कितना है निकालो बेटा, 1800 डिवाइडेड बाय 5 360। सो इस 1800 को मुझे कितने साल में 0 1 2 3 4 5 5 साल में बाइफर्केट करना है, यस और नो, तो हर साल कितना आएगा 360 360 360 360 360, यस और नो। अब एंट्री सुनना, हर साल एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 362 ESOP outstanding account 360, लिखो बेटा ESOP outstanding, ये क्या चीज है मैं बता दूं, एक सेकेंड ना लिखो बेटा, पहले ये इतना लिख लो बता दो, लिखा बेटा। चल अभी ध्यान से सुनना सब लोग, हाँ ये फर्स्ट ईयर का, ऐसी एंट्री कितने बार आएगी, 2 3
चार, पांच, ये एक साल का खर्चा नहीं है 1800। ये स्कीम 5 साल चलने वाली है क्योंकि एम्प्लॉय को 5 साल कंपनी में रुकना है, क्योंकि कंडीशन कितनी थी 5 साल की। ये 5 साल की जो कंडीशन थी इसे वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। जितना वेस्टिंग पीरियड है उतने साल में वो पूरे स्कीम के खर्चे हम लोग रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के चलते बायफर्केट करेंगे। सर यहाँ पे ये टू कैश लिखो ना। अरे बाबा ये एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस किसी को देना थोड़ी है अभी, और देना भी है तो किस फॉर्म में देना है? शेयर्स के फॉर्म में। शेयर्स के फॉर्म में फ्यूचर में देना है, शेयर्स के फॉर्म में फ्यूचर में देना है। इसीलिए मैंने लिखा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इज योर लाइबिलिटी ना, आउटस्टैंडिंग मीन्स बाकी ना। सो इसीलिए मैंने एक लाइबिलिटी अकाउंट बना लिया, और ये 5 साल तक मैं लाइबिलिटी अकाउंट बनाऊंगा। हर साल ईसॉप आउटस्टैंडिंग में कितना आएगा? 360। 360 सेम एंट्री कॉपी पेस्ट 5 बार, सेम एंट्री कॉपी पेस्ट 5 बार। बोलो 5 साल बाद ये ईसॉप आउटस्टैंडिंग में कितना हो जाएगा? 1800। ईसॉप आउटस्टैंडिंग का क्रेडिट बैलेंस कितना हो जाएगा? 1800। और 5 साल बाद मैं एक एंट्री पास करूंगा। अब वो घड़ी आ चुकी है, अब एम्प्लॉय कंपनी से वो शेयर्स खरीदने जा रहे हैं। 5 साल का पीरियड पूरा हो गया। बताओ एम्प्लॉय कितना पैसा देगा कंपनी को? एम्प्लॉय कितना पैसा देगा बेटा कंपनी को बताओ तो? देखा था ना हमने यहाँ पे 200। अब आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स एम्प्लॉय से पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट 200, बैंक अकाउंट डेबिट 200। और कंपनी जो 5 साल से लायबिलिटी को क्रेडिट किए जा रही है, आज वो कंपनी अपनी लायबिलिटी पूरी करने वाली है। कंपनी ने जो वादा किया था, कंपनी वो वादा पूरा करने जा रही है। तो कंपनी लिखेगी ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड 1800, और कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू करने जा रही है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बेटा एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपये। टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से 10 रुपये, और ऊपर का क्या अमाउंट है बेटा? 2000 मार्केट प्राइस था, 10 रुपी फेस वैल्यू है, तो ऊपर का 1990 सिक्योरिटीज प्रीमियम। खेल खत्म। वन शेयर इशूड अंडर द स्कीम ऑफ ईसॉप। वन शेयर इशूड अंडर द स्कीम ऑफ ईसॉप। पिछले 5 साल से जो कंपनी ईसॉप आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किए जा रही थी, पिछले 5 साल से जो कंपनी ईसॉप आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किए जा रही थी, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 360, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 360, ईसी टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 360, ईसी टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 360, ईसी टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 360। आज वो घड़ी आ गई है कि ईसॉप आउटस्टैंडिंग को आप डेबिट करो, और ये सारे 360 की टोटल कितनी आती है बेटा? 1800। 1800 देखो, वादा किया था ना कंपनी ने 5 साल बाद शेयर इशू करेगी, कर दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10, कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाएगा ना, और ऊपर का क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? यहां पे गलती से भी ऐसा मत करना, एम्प्लॉय से 200 लिए तो 190 लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम में। नो, क्लियर है? थोड़ी बहुत चीज समझ में आए बेटा इस शॉप की? एक 10-15% समझ में आए, राइट? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में ईसॉप आउटस्टैंडिंग का और रिडम्पशन का, रिडम्पशन तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया रहेगा, ईसॉप आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट वापस एक बार बताऊंगा। और हमारे इस क्वेश्चन नंबर 4 में ईसॉप आउटस्टैंडिंग का क्या महत्व है, कैसे हम लोग उसकी एंट्री करेंगे, वो सारी चीज़ें वापस नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। एक बच्ची ने सवाल पूछा, सर एम्प्लॉय ने कंप्लीट नहीं किया तो नहीं आएगा? केतकी, एम्प्लॉय ने अगर ये परेड कंप्लीट नहीं किया तो उसको हम लोग शेयर्स नहीं इशू करेंगे, और लास्ट में जो भी सब मान ले एम्प्लॉय यहां छोड़ के चला गया, केतकी 4 साल बाद एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो लास्ट वाली एंट्री तो करेंगे नहीं, बट पिछले 4 साल में जो ईसॉप आउटस्टैंडिंग की लाइबिलिटी खड़ी हो रही है उस लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे।
ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, खत्म। जिस समय वो एम्प्लॉय छोड़ के चले गए जिसके लिए ये ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट हमने रेस किया था, उस समय ईसॉप आउटस्टैंडिंग का जो भी बैलेंस रहेगा उसे डेबिट करके, आउटस्टैंडिंग ये लायबिलिटी को खत्म करना है तो डेबिट करके जो भी बैलेंस रहेगा उसे ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर किया? अब मेरी लायबिलिटी है ही नहीं, जब एम्प्लॉय ही नहीं तो मेरी लायबिलिटी नहीं, और लायबिलिटी नहीं तो फायदा हो गया, फायदा हो गया तो मैंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, राइट? केतकी, अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, मान ले ये एक साल की मैंने एंट्री पास कर लिया, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 360, 360, एक साल ही हुआ था, फर्स्ट ईयर था, और ये एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस मैंने पीएनएल में भी ट्रांसफर कर दिया था, जैसे 11वीं 12वीं कक्षा में करते थे खर्चे पीएनएल के डेबिट में, एक साल खत्म हो गया और एक साल बाद एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, तो अब ईसॉप आउटस्टैंडिंग में कितना बैलेंस है बेटा? ये जो भी बैलेंस है इसको ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में, खेल खत्म। एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस वैसे ही खत्म हो गया, ईसॉप आउटस्टैंडिंग भी खत्म हो गया, और हमने ये एक्सपेंस प्रॉफिट से ही बुक किया था, फिर से पीएनएल तो पुराने साल का ओपन नहीं कर सकते, तो जनरल रिजर्व में डाल दो, राइट? डिटेल में और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान। थैंक यू सो मच।